गुड इवनिंग स्टूडेंट्स माई ने कवेदी वीर लाइव ऑन दूटी एंड ट्वेल्थ बच्चों से कन्फर्म दोबल एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट अमेजिंग सेशन ऑफ केमिक्स एक प्रॉमस किया था पिछली क्लास में कि ऑर्डर की मैथमेटिकली आपको फील दिलवाऊंगी वो आज प्रोमिस जरूर पूरा होगा कैन यू सी मी बच्चों एंड सेशन को क्या कर देंगे शेयर कर देंगे जल्दी से कर देंगे विथ माई इंट्रोडक्शन और आप सेशन का लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ जल्दी से शेयर कर दीजिए ऑल राइट सो बच्चो माई नेम इज मोनिका बेदी ओके सो माई नेम इज मोनिका बेदी एंड आई हैव फिफ्टीन ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस आई डिड माई पी एच डी इन केमिस्ट्री फ्रॉम राजस्थान एंड आईव क्वालिफाइड नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर लेक्चर शिप इट इज कंडक्टेड बाई

ये जो हम पढ़ाते हैं मतलब जो मैं पढ़ाती हूँ मेरी क्लासेस के नोट्स को ढूंढने में आपको कोई परेशानी नहीं हो तो मैंने ये क्यूआर कोड लगा के रखा है इसको सिर्फ आपको स्कैन करना है और आप डायरेक्टली नोट्स तक पहुंच सकते हैं ये डिजिटल वीडियो बुक है अगर इस क्यू आर कोड को आप स्कैन करते हो तो आप डायरेक्टली किस पे पहुंच जाओगे डिजिटल वीडियो बुक पे पहुंच जाओगे इसमें बहुत सारे चैप्टर्स आपके वन गो में मैंशनड है मतलब सिंगल गो में तो कई बार कोई यूनिट टेस्ट या कोई हाफ एल या वट एवर कोई एग्जाम स्कूल में आ रहा है और मैम ने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप यू कैन डेफिनेटली टेक हेल्प फ्रॉम दिस क्योंकि वीडियोज आर एन वेरी गुड क्वालिटी है ना

तो अपने फ्रेंड्स को जरूर बोलिएगा सिर्फ वीकेंड क्लासेस हैं और धीरे धीरे पता भी नहीं चलेगा कि हम कितने प्रो हो जाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यू विल नॉट इवन फील किया इतना समय कम निकला और वी आर सो वेरी प्रो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो इसके लिए मैं आपके लिए सेशन अलग से रख रही हूँ जिसमें बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं के में अच्छे से पढ़ाने वाली हूँ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इंपॉर्टेंट होती है ट्वेल्थ में पढ़ाऊंगी इसकी पहली क्लास लगने वाली है कब से संडे सवा ग्यारह इलेवन फिफ्टीन एंड एलेवंथ के बच्चों को तो जरूर इन्फॉर्म करो क्योंकि इलेवंथ की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्लास ओपन एम बी लाइव कोर्स से होगी आई होप यू नो दैट की फ्री सेशन है बिल्कुल फ्री सेशन एम बी लाइव कोड से ये क्लास ओपन हो जाएगी नोटिफाई कर दो हम बिल्कुल पढ़ रहे हैं हमारा जो टाइम टेबल है वो फ्राइडे का दो से तीन है अभी मैं सवा घंटे की क्लास लगानी शुरू की है ठीक है एंड दो बजे ये स्टार्ट होगी थ्री फिफ्टीन पे खत्म होगी तो इसको आपको एनरोल करना है और इसको भी फ्री सेशन को देखने के लिए आपको एमबी लाइफ कोड यूज करना है अकेडमी पे डाउट फीचर आ चुका है तो आपको पढ़ते पढ़ते कोई भी डाउट आए आप दिन देखें ना रात देखें आप बस डाउट को प्रॉपरली स्निप करें और वो आप फोटो खींच के, के uh, प्लेटफॉर्म के की के बात कर लेते हैं प्लस इज अ पेड प्लेटफॉर्मैडमी आप देखो अगर फ्री कंटेंट इतना जबरदस्त अवेलेबल है तो यू कैन इमेजिन की पेड अगर आप पेड वर्जन में आते हैं तो हाउ रिस्पॉन्सिबली आर एडुकेटर्स यू हाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेडिकेशन लेवल हंड्रेड परसेंट आपसे मेहनत करवाने का लेवल हंड्रेड परसेंट आपके डाउट क्लियरेंस हंड्रेड परसेंट आपको नोट्स दिए जाएंगे सब चीज होगी कौन सी चीज कम है मैं बताती हूँ चार्जेस बहुत नॉमिनल हैं ऑन है प्राइस करेक्शन पे सभी बच्चों को क्वालिटी कंटेंट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाए जहां हम ऑफलाइन में देखते हैं कि कोई भी टीचर टू से कम नहीं लेता है नॉर्मल सीबीएसई क्लास ट्वेल्थ की तैयारी करवाने के लिए और इस तरीके से हमारे मिनिमम तीन सब्जेक्ट के हम कोचिंग करते हैं तो अभी सेवेंटी फाइव टू एटी थाउजेंड हमारा पे, पेरेंट्स का खर्चा हो जाता है अन अकेडमी मिशन की यार नहीं बहुत ज्यादा है सेवेंटी फाइव टू एटी हर फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती साल की वो भी सिर्फ कोचिंग का ट्यूशन चार्जेस तो इसलिए अनकैडमी ने आपको एक साल की कोचिंग के लिए सिर्फ थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड ऑल द टीचर्स आर एब्सोल्युटली टैलेंटेड एंड एक्सपीरियंस यू जस्ट हैव टू हंड्रेड एंड यूज दिस एम बी लाइफ कोड क्योंकि पंद्रह हज़ार का सब्सक्रिप्शन है जिसपे ऑफ होने के बाद एम बी लाइफ कोड के बाद तेरह हजार पाँचवा पड़ेगा मैं भी पढ़ाती हूँ प्लस पे एंड खूब बच्चों से मेहनत करवाती हूँ होमवर्क कॉपी बनवाती हूँ होमवर्क करवाती हूँ डाउट वगैरह देखते हैं टेस्ट लेते हैं बहुत मजे से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं मेरा टाइमिंग छह सात है ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे जिन फीचर्स के बारे में मैं आपको बता रही हूँ आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आप अपने घर के कम्फर्ट जोन से कोचिंग ले सकते हैं क्लासेस ले सकते हैं आपको अनलिमिटेड कोर्सेज की एक्सेस मिलती है आपको इंडिया के टॉप एडुकेटर सिंगल प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं और आपके वो भी परेशानी नहीं है कि अरे यार हम इस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीन सब्जेक्ट है हमें फिजिक्स बहुत अच्छी लगती है केमिस्ट्री मैथ्स अच्छी नहीं लगती बट अब यही टीचर्स हैं कोई बात नहीं फीस दे दी तो गुजारा तो करना ही पड़ेगा पढ़ना तो इसी से पड़ेगा क्योंकि मैम डबल डबल फीस तो मम्मा पापा देंगे नहीं देर इज नो स्ट्रेस लाइक दैट इफ यू आर लाइकिंग सम समुकेटर पढ़ो उनसे नहीं लाइक कर रहे हो होल एडुकेटर्स किसी और से पढ़ो यहां आपको बहुत सारे टैलेंटेड एडुकेटर्स पढ़ाते हैं एक से नहीं समझ मारा तो किसी से तो समझ में आएगा अगर किसी से भी नहीं समझ आ रहा तो भाई साहब प्रॉब्लम फिर अपन में ठीक है।, है तो आपको टॉप एडुकेटर्स का एक्सेस मिल जाता है रेगुलर डाउट क्लियरिंग विद विद, विद द फॉर्म ऑफ थ्री प्लस वन तीन क्लासेस पढ़ाएंगे एक क्लास में डाउट तीन क्लास में पढ़ाएंगे एक क्लास में डाउट तीन क्लास में पढ़ाएंगे एक क्लास में डाउट तो सेवेंटी फाइव परसेंट टाइम पढ़ाएंगे पच्चीस परसेंट टाइम आप पूछेंगे डाउट हमसे कि हमें जो चीज़ यूट्यूब और स्पेशल आपको नहीं मिलेगी कि यूट्यूबर स्पेशल क्या होता है जब सेल्फ स्टडी आप करते हो तो आपकी चार चीजें बच्चे के दिमाग में आती है यार ये ऐसे क्यों हुआ ऐसे क्यों नहीं हुआ ये सारे डिस्कस हमारा एवरी थ्री क्लासेस के बाद हो जाता है तो क्या लर्निंग होती है आप देखना स्पेशल क्लासेस में भी लीडर बोर्ड में जो बच्चे रहते हैं मोस्टली प्लस uh, के बच्चे रहते हैं और उसका रीजन ही है यही है कि उनके डाउट क्लियरेंस अच्छे से होते हैं और उनका प्रैक्टिस वर्कशीट के थ्रू बहुत अच्छे से होता है

यू आस्किट वी हैव ऐसे ऐसे टीचर्स जिनसे पढ़ने के लिए आपको लाखों रुपये कोटा के जो कोचिंग इंडस्ट्री है वहाँ पे पे करना पड़ता है ट्रेवल चार्जेस बढ़ने पड़ते हैं हॉस्टल चार्जेस बढ़ने पड़ते हैं फूड चार्जेज बढ़ने पड़ते हैं और रहना पड़ता है पेरेंट्स से दूर ऐसे एडोकेटर्स को आन अकाडमी ने प्राइज करेक्शन करके अपने साथ एसोसिएट कर लिया है और आपको मौका दे रहे हैं एक महीने का एक साल का सब्सक्रिप्शन सिर्फ थर्टी फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड फिफ्टी में दिस इज लेस देन वन एट ऑफ द चार्जेस जो इन्हीं से पढ़ने के लिए बच्चे कोटा में भरते हैं इतने कम क्योंकि अन अकेडमी कह रहा है कि हर बच्चा पढ़ेगा हर बच्चा बढ़ेगा आगे ये नहीं कि फाइनेंशियली फैमिली कमजोर है इसलिए बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता इंजीनियर नहीं बन सकता ऐसा नहीं होगा आपको बहुत नॉमिनल चार्जेस में देश के टॉप एडुकेटर्स की कोचिंग अवेल करवाई जाएगी दैट टू इन नॉमिनल चार्जेस एंड इन योर कंफर्टेबल होम तो बच्चे बिल्कुल आगे बढ़िए और एम बी कोड लगा के आप जे या नीट का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो अगर आप हमसे भी पढ़ना चाहते हैं और JEE नीट में से भी पढ़ना चाहते हैं तो कॉम्बो ले लो कॉम्बो में क्या होगा आपका एड ऑन हो जाएगा और चार्जेस बहुत ज्यादा नहीं होते बहुत कम से चार्जेड ऑन होते तो एक्सेस हमारी भी मिल जाएगी और इनकी भी मिल जाएगी ठीक है यूज रेफरल कोड एम बी एंड प्लस एन आइकोनिक सब्सक्रप्शन जैसे अगर आप सपोज ट्वेल्थ पे बहुत अच्छा फोकस करना चाहते हो और आपको लग रहा है कि ठीक है कॉम्पिटिव एग्जाम्स का थोड़ा थोड़ा टच देते चलो लेकिन हमारे बेसिक्स एंड टी बहुत मजबूत कर दो मैम इवन हम ड्रॉप भी कर लेंगे लेकिन हमारी एनसीआर बहुत तगड़ी होनी चाहिए तो फिर आप ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं ऐसा एक साल का सब्सक्रिप्शन फिफ्टी थाउजेंड है फिफ्टीन थाउजेंड पे अगर आप क्या करते हैं एम बी लाइव कोड लगाते हैं मास्टर ब्लास्ट कोड एम बी लाइफ तो आपका ये सब्सक्रिप्शन चार्जेस रिड्यूस हो जाएंगे थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड में सारे सब्जेक्ट्स के लिए पूरे एक साल इसमें इंग्लिश और आपका कंपलसरी सब्जेक्ट सब इंक्लूडेड है ठीक है तो बहुत ही नॉमिनल है सुपर नॉमिनल है दो सौ रुपए महीना पर सब्जेक्ट एक पिज्जा के पैसों से भी कम ठीक है सो इट्स वेरी वेरी नॉमिनल डोटेट टू अप्लाई दिस कोड आइकॉनिक में आपको पर्सनल मेंटर जाता है जो आपका प्लानर बनाता है आपका आपका शेड्यूल बनाता है टाइम टेबल बनाता है फोन नंबर आपके पास होते हैं आपके मेंटर के और आप उनसे फोन पे कनेक्ट हो सकते हैं आपके पेरेंट्स उनसे फोन पे कनेक्ट हो सकते हैं तो ऐसा मोनिटरिंग वाला अगर सब्सक्रिप्शन चाहिए तो वो आइकॉनिक है गो फॉर आकॉन इफ यू कैन अफोर्ड देन गो फॉर आइकॉनिक क्योंकि आइकॉनिक में आपको आइकॉनिक मेंटर मिल जाता है जो बहुत सपोर्टिव रहता है मतलब उससे बच्चों को बहुत संभल रहता है कि हाँ हम पढ़ रहे हैं एंड हमारे साथ एक बंदा एसोसिएटेड है जो कि हमारे साथ हैंड होल्डिंग करके चल रहे

माधव थैंक यू बेटू स्वकीति ब्रजेश ऑल राइट थैंक यू थैंक यू बेटा कल था मेरा बर्थडे थैंक यू सो मच हेलो ज्योतिका हाय आंशात्री हेलो महक अब अच्छे से पढ़ने को तैयार हो कॉपीज खोल लो प्रैक्टिस कॉपी अब जो जो मैं लिखूंगी ना वो आप भी मेरे साथ साथ लिखेंगे मैंने आपको एक प्रॉमिस किया था पिछली क्लास में कि बच्चों ऑर्डर की फील दिलवाऊंगी अच्छे से ऑर्डर क्या होता है रटवाना नहीं है हमको ऑर्डर की फील दिलवानी है जस्ट लिसन टू मी केयरफुली हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं का साइंस ऑफ रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन या स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन राइट स्पीड क्या होती है कंसेंट्रेशन चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम कंसेंट्रेशन में क्या बदलाव आ रहा है समय के साथ इसको हम क्या कहते हैं इसको हम स्पीड कहते हैं ठीक है धीरे धीरे हम आए कि स्पीड को कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं तो हमने सबसे मेजरली एक फैक्टर पढ़ा और वो फैक्टर था कंसंट्रेशन कंसेंट्रेशन इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर जो स्पीड को अफेक्ट करता है जैसे अगर क्योंकि ये कॉलिजन थ्योरी पे बेस्ड है हमारी केमिकल काइनेटिक्स तो अगर आप सौ कॉलिजन करवाते हैं तो उसमें से सिर्फ दस मॉलिक्यूल्स कोलाइड होते हैं और वो इफेक्टिवली प्रोडक्ट में बदलते हैं ऐसे में अगर आप कंसनट्रेशन को पांच गुना करके पाँच सौ कोलिजन्स कराएंगे तो इफेक्टिव कोलिजन भी दस से बढ़कर पचास हो जाएंगे प्रोडक्ट की सेम टाइम के अंदर प्रोडक्ट जो प्रोड्यूसर है वो ज़्यादा होने लगेगा। अगर आप 500 से उसको कर देते हैं हज़ार, तो आपने सौ 100 का हज़ार किया ना, तो आपके इफेक्टिव कॉलिजन 10 से बढ़कर 100 हो गए, ठीक है? तो क्योंकि 10% इफेक्टिव कॉलिजन रेट है लेट से

ठीक है एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है एक्सपेरिमेंट करके हम ये जान पाते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर रिएक्टेंट की जब हमने कंसेंट्रेशन बदली तो उसका रेट पे क्या इंपैक्ट पड़ा राइट हमने कोई भी रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन बदली तो उसका रेट पे क्या इंपैक्ट पड़ा कहां से पता लगा ये हमको एक्सपेरिमेंट से पता लगा उसको हमने पावर बना लिया और उस पावर को हमने क्या बोल दिया ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन डू रिमेम्बर एवरी वन जस्ट गिव मी थम्स अप इन द दमेंट बॉक्स इफ यू रिमेंबर दैट थिंग यहाँ मैम बेसिकली ऑर्डर इज द थिंग जो ये एक्सप्लेन करती है कि कंसेंट्रेशन चेंज का रेट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है थैंक यू प्रिया प्रजापति ओके सबको याद है सबको याद है ऑल राइट right, चलो अभी मैं तुम्हें फील दिलवाने के लिए एक मस्त चीज करने वाली हूँ जरा जस्ट अ लुक सबसे पहले हम ले रहे हैं

ये मैं बहुत डिटेल में आज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल एग्जांपल्स के साथ पढ़ाने भी वाली हूं क्योंकि कई बच्चों के दिमाग में ये सवाल उठता है कि मैम क्यों कंसेंट्रेशन चेंज का बदलाव रेट पे नहीं पड़ा तो मैं बताऊंगी है ना फिलहाल मैं देख रही हूँ कि मैं जो भी कंसेंट्रेशन बदलूंगी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एनी कंसेंट्रेशन रेज टू द पावर जीरो बिकम्स वन सो रेट इज नॉट इम्पैक्टेड रेट इज कॉन्स्टेंट दिस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन सेकेंड वी टेक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जस्ट हैव अ लुक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फास्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम एक्सप्रेशन क्या बनाएंगे कॉपीज में लिखेंगे अपने अपने रेट थी आर वन जब रेट कांस्टेंट था के और कंसेंट्रेशन रिएक्टेंट की थी ए और रेस टू द पावर था वन अब मैंने क्या किया मैंने रेट को कंसेंट्रेशन uh, को कर दिया डबल टू ए कर दिया मैंने कंसेंट्रेशन में क्या चेंजेस किए टू कर दिया रेस टू द पावर वन रेट कॉन्स्टेंट के और रेट क्या हो गई r2 obviously तुम जब कंसेंट्रेशन बदलोगे तो रेट बदलेगी अब मैं क्या करूंगी 2 को निकाल के बाहर ले आऊंगी जस्ट हैव अ लुक r2 is equals 2. 2 को मैं निकाल के बाहर ले आई 2 2 रे टू द पावर 1 इज टू इटसेल्फ 2 बचा एक्सप्रेशन क्या बचा एक्सप्रेशन हमारा k a रे टू द पावर 1 नाउ व्हाट इज a रे टू द k a रे टू द पावर 1 ये तो r1 के बराबर है व्हिच मींस कि न्यू रेट इज ट इनिशियल रेट सो वेन डबलिंग दैन ऑन डबलिंग देशन द न्यू रेट बिकम्स टू आइज ऑफ इनिशियल रेट इट इज सेट टू बी फर्स्ट ऑर्डर रियक्शन अगर कंसनट्रेशन को डबल करने से रेट जो है वो प्रीवियस रेट के डबल हो जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन चलो एक सेकेंड ऑर्डर का भी एग्जाम्पल कर लेते हैं सेकेंड ऑर्डर इसको कॉपीज में साथ साथ लिखेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इसमें देखते हैं क्या चेंजेस आए सेकंड ऑर्डर में देखिएगा सपोज ये है इनिशियल रेट आर वन ठीक है इस समय रेट कांस्टेंट था के ऑलराइट राइट कंसेंट्रेशन थी इनिशियल ए और क्योंकि ऑर्डर टू था मैंने पावर लगा दी टू फिर मैंने कंसेंट्रेशन को किया डबल और रेट हो गई आर टू कंसेंट्रेशन को किया मैंने डबल यानी कि टू रेज टू द पावर टू ठीक है

हाफ ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम सेम एक्सप्रेशन लिखेंगे और आप बोलेंगे तो आपको प्रैक्टिस चाहिए मैं और पे भी करवा दूंगी एक बार हम हाफ पे ट्राई करते हैं हम कहते हैं कि रेट आर वन थी जब रेट कॉन्स्टेंट के था और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए थी और पावर थी हाफ ठीक है रेट हो गई आर टू जब रेट कॉन्सटेंट तो के ही रहा और हमने इनिशियल रेट कितना कर दिया डबल कर दिया हम हर बार डबल कर रहे हैं डबल कर दिया और पावर हो गई हाफ अब टू रेस टू द पावर हाफ को मैं अलग से निकाल के बाहर ले आती हूँ तो आर टू इज इक्वल टू टू रेस टू द पावर हाफ यानी कि रूट टू टू रेस टू द पावर हाफ इज इक्वल टू रूट टू रूट टू को मैं बाहर ले आई और ये मैंने भर दिया के ए रेस टू द पावर हाफ नाउ व्हाट इज के रेस टू द पावर हाफ इट इज आर सो वी कैन से दैट न्यू रेट इज इक्वल टू रूट टाइम्स ऑफ इनिशियल रेट सो वेन द न्यू रेट बिकम्स रूट टाइम्स ऑफ इनिशियल रेट रियक्शन समझे आया समझ में बोलो फटाफट जल्दी से बोलो आया समझ में कि नहीं क्या बात है इतना अच्छे से पढ़ रहे हो ये चैट्स रुकी कैसे हुई है सबको क्लियर हो गया चैट्स मस्त रुकी हुई यार थैंक यू दिया बिटू तो यार स्माइल हो जाए चैट बॉक्स में इस बात पे एंड इफ यू वांट की मैम थर्ड ऑर्डर पे भी करके दिखा दो या कोई और तो जस्ट टेल मी इन द कमेंट बॉक्स जल्दी से यू वांट मी टू डू द सेम थिंग ऑन थर्ड ऑर्डर रिएक्शन मान के लिए हाथ सुखमन क्रिस्टल क्लियर वेरी गुड थर्ड ऑर्डर के लिए करा दें कोई दिक्कत नहीं है। चीज़ करा रही हूं मैं। ध्यान से देखिएगा बच्चों, अपने में ये ये लिख लो क्योंकि ये किताबों का माल नहीं है दिस इज नॉट का काम ठीक है तो ये बुक्स में नहीं मिलेगा इसको कॉपीज में अच्छी जगह लिखना था कि कल को जब तुम रिवाइज करो तो इसको देखते ही तुम्हें ऑर्डर की फील वापस आ जाए So suppose करो initial rate क्या था था और थी ठीक है R1 equals to K, to the power 3. फिर मैंने कहा कि चलो मैं कंसेंट्रेशन को डबल करके देखती हूँ तो कंसेंट्रेशन मैंने डबल कर दी टू ए रेस टू पावर थ्री ठीक है फिर क्या हुआ ए टू रेस टू दू क्यूब क्या होता है, 2 into 2 into 2, 8 होता है. तो विच मीन की रेट

तो टू रेस टू द पावर वन हो गया तो फर्स्ट ऑर्डर है रेट किस हिसाब से बदला कंसेंट्रेशन को डबल करने से टू रेस्ट टू दावर टू हो गया रेट टू टाइम्स हो गया तो ये भी लिख लो यार ये तो अच्छी चीज निकल के आई कि ऑन डबलिंग द कंसनट्रेशन व्हेन द फाइनल रेट बिकम्स टू रेस टू द पावर एन टाइम्स ऑफ इनिशियल रेट देन दिन इज नोन एज ऑर्डर फिर से बोल रू डिक्टेट करा रही हूं यह भी अभी, अभी मेरे दिमाग में आई है ये.

ठीक है तो इसको भी लिख लो नोट कर लो इस चीज को भी आगे बढ़ते हैं अब तुम्हारे लिए छोटा सा टेस्ट है पांच नंबर का क्लास टेस्ट मैं हेडिंग डाल रही हूँ क्लास टेस्ट और इसको करेंगे बच्चों दिस इज क्लास टेस्ट फॉर यू करो फटाफट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द रिएक्शन दिस और लाइक कीजिए सेशन को मस्ट चमका वेरी गुड Which of the following statements is not correct for the reaction 4a plus b बना रहा है 2c plus d? The rate of dissipation. Practice करेंगे बेटा अपने sessions की खास बात ये रहेगी हम बहुत practice करेंगे और ये practice मेरा वो है मतलब मैं practice बहुत ज़्यादा करवाती हूँ और plus में तो और भी ज़्यादा करवाती हूँ plus में तो homework वगैरह भी बहुत मिलता है but हम यहाँ भी practice में कमी नहीं छोड़ रहे. हैं. Which of the following statement is not correct? Rate of disappearance of b is one fourth rate of disappearance of a. Rate of disappearance of c

जल्दी जल्दी आज हम इंटीग्रेशन करेंगे इंटीग्रेशन आता है तुम लोगों को क्या आंसर आ रहा है बी ए ज्योतिका कह रही है बी काफी बच्चे बी बोल रहे हैं और कुछ एक सी भी बोल रहे हैं प्राची कह रही है सी और ज्यादा जो वोट सारे वो बी के लिए आ रहे हैं अंशत्री क्या कह रहे हैं राधिका झा बी अनामिका बी प्रियंका कुमारी बी शिवांगी पांडे बी दिबाकर नायक बी रोहित तिवारी बी अंशत्री बी आश्रा बी सुखमन बी अब तो पूरे वोट्स बी के आ गए एक और बच्ची जो सी बोल रही है सोनम कुमारी तो चलो देखते हैं कि किसका सही है बी सही है कि सी सही है ए एंड बी पर दिस रिएक्शन अब मैंने तुम्हें तो कहा था ना कि अगर तुम गोलगप्पे और आइसक्रीम सेम टाइम पे खा लोगे दोनों चीजें तो तुम्हें नहीं पता लगेगा कि तुम्हारा गला गोलगप्पे से बिगड़ा है आइसक्रीम से तो एक बार में एक करके देखो अगर तुम डाइटिंग भी करोगे और एक्सरसाइज भी करोगे तो तुम्हारे पे ज्यादा इंपैक्ट किस चीज़ का आया और किसका कितना है वो नहीं पता लगेगा तो पहले डाइटिंग करके वजन घटाने की कोशिश करो और फिर अगली बार एक्सरसाइज करके अगर जिस्ट पे ज्यादा घटेगा तो आपको उसको चैनलाइज करना जरूरी है अदरवाइज आप दोनों चीज एक साथ करेंगे तो इम्पैक्ट किसका आ रहा है वो नहीं समझ में आएगा तो फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो इसमें से रेट आइडेंटिफाई करना है। अगर आपको ए ए के रिस्पेक्ट में में जब A की बदलाव होता है रेट में क्या बदलाव हो रहा है उसके लिए आपको बी कॉन्स्टेंट रखना पड़ेगा और फर्स्ट एंड थर्ड सेट में बी कॉन्स्टेंट है अब आपने इसको किया डबल ठीक है ए को किया डबल तो ये भी हो गया डबल डबल करने से डबल अगर डबल करने से डबल हो गया मतलब फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए ठीक है अब इधर देखो ए को सेम कौन से सेट में रखा है ए को सेम इन इसमें रखा है इसको किया हाफ ये भी हो गया हाफ इसको किया हाफ ये भी हो गया हाफ तो कौन सा ऑर्डर हो गया फर्स्ट ऑर्डर यानी बी के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर सो दिस इज द करेक्ट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर अगला करो नेक्स्ट वाला ओके okay, बेटा दिव्या दुबे जिसने बी किया है उसको अपने आपको दो नंबर देगा और अभी तक तीन नंबर का ही हुआ है टेस्ट ये भी दो नंबर का है ठीक से करेंगे इसमें आपकी डबल चेकिंग हो रही है एक तो आपका ऑर्डर आइडेंटिफाई करना आ रहा है कि नहीं वो आपका चेक हो रहा है फिर ऑर्डर आइडेंटिफाई करना आ गया तो फिर यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट भी आप निकालेंगे तो ये भी दो नंबर का है बी आ रहा है, नैंसी नाइक कह रही है बी नमस्ते बेटा आनंद ए आ रहा है उत्कृष्ट का सुखमन का ए ब्रजेश का बी ये ए और बीपी तो बराबर वोट आ रहा है इधर ज्योतिका ने दिया सी आंसर क्या ए बी सी सारे आंसर बताए जा रहे हो चलो मैं बताती हूं ये तीन तीन चीजें हैं तो आपको तीन के रिस्पेक्ट मतलब आपका जो रेट लॉ बनेगा वो ऐसे बनेगा रेट प्रोपोर्शनल टू आई माइनस रेस टू दावर एक्स बी आर ओ थ्री माइनस रेज टू पावर वाई एंड एच प्लस रेस टू द पावर जेड एक्स वाई जेड ठीक है आपको एक्स वाई जेड निकालने तो चलो लेट अस ट्राई टू अच्छा ध्यान रखना कि जब तुम आई माइनस के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकाल रहे हो तो बाकी दोनों कांस्टेंट होने चाहिए जब आप बी आर ओ थ्री माइनस के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकाल रहे हो तो आई माइनस और एच प्लस नहीं बदलने चाहिए और जब आप एच प्लस के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकाल रहे हो तो ये दोनों जस्ट क्लोज एंड फोकस्ड लुक रहिए सपोज मैं आ, सेट ढूंढती हूँ जिसमें ये दोनों कॉन्स्टेंट है और बी आर ओ थ्री माइनस में देख रही हूँ तो ऐसा मुझे कुछ मिल रहा है क्या आ, इन दोनों में हाँ ये देखो नहीं मिडिल सेट मिला बेटा जिसमें आई माइनस को मैंने कॉन्स्टेंट रखा है और एच प्लस भी कॉन्स्टेंट है जस्ट क्लोज लुक बेटा आई माइनस एक्सपेरिमेंट नंबर टू और थ्री में सेम है कंसेंट्रेशन आई माइनस की हमने नहीं बदली है और एच प्लस के कंसेंट्रेशन की हमने नहीं बदली है सिर्फ इसको डबल किया है इसको डबल किया है ठीक है ये दोनों कॉन्स्टेंट है तो इसको डबल करने से रेट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है बच्चों इसको डबल करने से ये दोनों चीजें नहीं बदल रही है इस डेटा को देखो इस डेटा को देखो एच प्लस नहीं बदला आई माइनस नहीं बदला अगर बदला है तो ये बी आर ओ थ्री माइनस आइन बदला है और इसको बदलने से रेट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है तो अगर नहीं पड़ा तो इंपैक्ट मतलब है, इसके में है। अब जब, bro, इस के में तो अब देखते हैं एच प्लस देखना है तो ये कॉन्स्टेंट आई माइनस देखना है तो ये कॉन्स्टेंट चलो एच प्लस देखते हैं एच प्लस में जब एच प्लस देख रहे हो तो आई माइनस कॉन्स्टेंट किस सेट में फर्स्ट एंड फोर्थ में फर्स्ट एंड फोर्थ में आई माइनस सेम है तो फर्स्ट एंड फोर्थ में आपने इसको डबल किया

एन लीटर एन माइनस वन सेकेंड इनवर्स विच मींस मोल मोल वन माइनस एन वन माइनस एन बोले तो एन की वैल्यू कितनी है टू है तो वन माइनस टू माइनस वन लीटर सेकेंड इनवर्स कौन सी है इसमें मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स सी इज द करेक्ट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर समझ में आया समझ में आया दो नंबर देंगे खुद को और इसी के साथ पांच नंबर पूरे होते हैं क्लियर वेरी गुड नेक्स्ट अ रिएक्शन दिस फॉलोज थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब रेट इज प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन रेस टू द पावर थ्री तो मुझे बताओ कि अगर कंसेंट्रेशन रेस टू पावर थ्री है तो फिर रिएक्टेंट uh, कंसेंट्रेशन को अगर हम चार गुना बढ़ा देते हैं तो उससे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पी पे क्या इंपैक्ट पड़ता है बोलो बच्चों जल्दी जल्दी थैंक यू थैंक यू मंटू गौतम नारायण कह रहे एट टाइम्स और काफी बच्चे बेटा कंसंट्रेशन को आप क्या कर रहे हो आप फोर टाइम्स कर रहे हो तो अगर इनिशियल कंसंट्रेशन आर थी या सपोज सी थी तो रेट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन रेस टू द पावर थ्री और अब आपने कर दिया फोर सी रेस टू द पावर थ्री तो फोर इंटू फोर क्या होता है फोर फोर से सिक्सटीन सिक्सटीन फोर करेक्ट आंसर इज डी तो ये भी एक नंबर का है तो ये छह नंबर का टेस्ट हो गया बताओ अब सिक्स में से सिक्स किसके आए क्विकली आई विल शाउट आउट द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स छह में से छह किसके आए हु ऑल हैव स्कोर्ड सिक्स आउट ऑफ सिक्स मार्क्स क्लास टेस्ट में सिक्सटी फोर ही तो किया है हम्म स्वीटी मिश्रा के फोर आउट ऑफ सिक्स आए हैं आयुषी के फोर आए हैं फोर आउट ऑफ सिक्स आए हैं राधिका जाके सिक्स आए हैं दिबाकर नायक के सिक्स आए हैं प्राची झा के फोर आए हैं कोई बात नहीं पुष्पा देवी के फोर आए हैं अन के फाइव आए हैं अनामिका कोले की five हैं। के फाइव आए हैं आयुषी के फोर आयुषी की मैंने तीन बार नहीं पढ़ ली है तो मैक्सिमम पल्लवी सिंह के सिक्स में से सिक्स आए हैं दिव्या दुबे के सिक्स में से सिक्स आए हैं अभी एंड लाइक द लेक्चर आल्सो थैंक यू सो मच बेटा मिनी कुमावत काफी बच्चों के सिक्स में से हंड्रेड में से हंड्रेड वाह वाह बहुत बढ़िया हंड्रेड में से हंड्रेड बोला हंड्रेड में टू हंड्रेड है वो नहीं बोला ठीक है तो चलो लेट्स प्रोसीड अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मॉलिकुलटी बोर्ड्स में क्वेश्चन आता है, बहुत है. अब सुनो, order तो, order अलग चीज होगी ऑर्डर ये था कि व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज ऑन रेट हम कंसंट्रेशन बदलते हैं है? और बड़ा लूल टाइप का कॉन्सेप्ट है कॉलिजियन थ्योरी पे बेस्ड है kinetic, कितने मॉलिक्यूल्स एक साथ टकराते हैं तो प्रोडक्ट बनता है दिस इज मॉलिक्यूलिटी है बड़ा लल्लू टाइप का concept. कितने या या मॉलिक्यूल्स कितनी रिएक्टिंग स्पीशीज एज अ स्वेयर एक साथ टकराएं तब प्रोडक्ट बने उसको हम क्या कहते हैं मोलिकुलरिटी अब दो तरह के रिएक्शन होते हैं एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्री वो जो एक ही स्टेप में होते हैं तो उसमें तो फिर भी मॉलिक्यूलरिटी का सिग्निफिकेंस है कि सिंगल स्टेप रिएक्शन है कितने

फर्जी लगता है ना सुनने में तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में कोई मॉलिकुलरिटी का मामला नहीं है सिर्फ सिंपल सिंगल स्टेप रिएक्शन हो रही है प्रोडक्ट बन रहा है कितने मॉलिक्यूल एक साथ टकराए की प्रोडक्ट बना दैट इज नोन एज मॉलिकुलाटी बोर्ड्स में क्या आता है बोर्ड्स में इसमें से डेफिनेशन आती है <laughs> ठीक है और कुछ नहीं आता है फर्जी कॉन्सेप्ट है क्या पूछेंगे लेकिन हाँ पूछते जरूर है डेफिनेशन नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज जो एक साथ कोलाइड को लाइट करेंगे to bring about the reaction, कितने मोलिकुल टकराएंगे मॉलिकुलटी वट इज द मॉलिकुलरिटी ऑफ दिस रिएशन वॉट इज द मोलिकुलरिटी ऑफ दिस रियाक्शन कमोन क्विकली व्हाट इज द मोलिकुलरिटी ऑफ दिसक्शन वेरी गुड सुखमन आयुषी प्राची अंशत्री शाबाश दिख रहे हैं ना इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई अब क्या शाबाशी दू तुमको मैं सबको नॉर्मल सी बात है तीन टकरारे प्रोडक्ट बन रहा है मोलिकुलरिटी थ्री मतलब बड़े चौड़े हो गए थे ओह अब तुम तो आम से शाबाशी मिलने वाली है

इसमें एक रिएक्टेंट था तो िटी वन इसमें दो रिएक्टेंट है तो इसको हम बायोलिकर बोलते हैं मोलिकुलटी टू फिर इसमें देखो इसमें तो कुछ नहीं देखो ये हो गया अब ये क्या है ये सवाल है द कंसेंट्रेशन फॉर दिस रिएक्शन अगर ए की कंसेंट्रेशन को हम दो गुना करते हैं तो रेट आठ गुना हो जाती है और बी की कंसेंट्रेशन को हम दो गुना करते हैं तो रेट चार गुना हो जाती है तो वॉट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई चलो इसको टेस्ट में ऑन करो दो नंबर का एक और क्वेश्चन आ गया क्लास टेस्ट का ज्योति का दो बोला टू आंसर दिया हाँ ये सवाल है स्वीटी अंशात्री ने फटाफट आंसर दिया है प्राची जहाँ ने भी कुछ तो आंसर प्राची झा भी थ्री पे अटकी हुई है पिछली मोलिकुलेटी थ्री तो ऑर्डर बता रहे हो क्या बता रहे हो थ्री टू स्वकीर्ति बोल रही है थ्री टू पुष्पा देवी बोल रही हैं एक्स इज इक्वल्स टू थ्री थ्री टू चलो देखते हैं अगर ए की कंसेंट्रेशन को डबल किया तो रेट आठ गुना हो गया मैंने कहा था ना बेटा डबल करने पे टू के कितने पावर टाइम्स रेट हो जाता है दैट इज ऑर्डर तो अगर ए की कंसेंट्रेशन को डबल करने से रेट आठ गुना हो जाए तो टू इज थ्री टाइम्स ऑफ टू टू पावर थ्री इज एट तो दिस इज ऑर्डर ट्रेशन डबल करने से रेट पे क्या इंपैक्ट पड़ता N हो जाती है वो N क्या है Three है ना तो ए के रिस्पेक्ट में तो थर्ड ऑर्डर हो गई तो रेट इज प्रशनल टू ए के रिस्पेक्ट में थर्ड ऑर्डर अब कंसेंट्रेशन डबल दब की तो ये फोर टाइम्स हो गई तो इज इज टू पर सो फिर ये बी के रिस्पेक्ट में क्या हो गई टू टाइम हो गई ऑर्डर तो रिएक्शन हो गई फिफ्थ ऑर्डर ठीक है चलो तो जिसने दोनों से ही निकाले वो अपने आपको पूरे दो नंबर दे देगा ठीक है सात नंबर का पेपर हो चुका है नेक्स्ट आ रहे हैं मोलिकुलेरिटी और ऑर्डर का डिफरेंस वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एक नंबर का आएगा आप आज ही याद कर लें रिवीजन रिक्वायरमेंट नहीं है अपने को ठीक है हमको बार बार किताबें खोल के देखने की रिक्वायरमेंट नहीं हम आज ही लर्न कर लेंगे मोलिकुलरिटी फर्जी कॉन्सेप्ट कितने मोलिक्यूल एक साथ टकराए एक साथ टकराने चाहिए ऐसे ऐसे नहीं एक मैं अभी टकरा रहा हूँ फिर एक मैं, मैं, भी मैं भी आया मैं भी आया मैं भी आया एक साथ कितने मोलिक्यूल टकराए तो वो नंबर जो होता है दैट इज मॉलिकुलरिटी

एक ही सीधा बना रहा है तो कोई टुकरी नहीं हो रही एक सीधा प्रोडक्ट बना रहा है, दो रहे, है, तीन आपस में रहे है, जो भी मैंने दिखाया था ना विजुअल मोलिकुलाटी फोर इससे टकराने की संभावना नहीं होती ठीक है लेकिन क्या भी? तुम इस बात को हजम करोगे एक आधे से टकराया और डेढ़ ढाई से टकराया और सवा दो सवा तीन से टकराया होगा ना नॉर्मल सी बात है या तो दो टकराएंगे या तीन टकराएंगे चार टकराए साढ़े तीन टकराए आधे से आधा टकराए पौने से तो ये थ्योरी ये इंटीग्रल वैल्यूज है इसकी फ्रैक्शनल वैल्यूज भी होती है और ये जीरो हो सकता है नहीं ये उल्टा लिखा है ये जीरो नहीं हो सकता कैन नॉट बी जीरो एंड दिस कैन बी जीरो इसको काट देते हैं दिस कैन बी जीरो ठीक है क्लियर बच्चों शुड बी प्रोसीड चलो आगे बढ़ते हैं डिफरेंस हो गया अब हम डिटेल में लेने वाले हैं रिएक्शन टाइप्स एंड इंटीग्रेशन बी रेडी फॉर इंटीग्रेशन आज मजे आने वाले इंटीग्रेशन में देखना आज तुम एक केमिस्ट्री की टीचर से मैथ्स पढ़ने वाले हो केमिस्ट्री की टीचर से मैथ्स पढ़ने वाले हो सो व्हाट इज रिएक्शन बेटा ऑर्डर रिएक्शन इज द वन ऑर्डर रिएक्शन इज द वन जिसमें रेट इज इक्वल्स टू के कंसेंट्रेशन रेस टू द पावर जीरो विच मींस कि तुम कंसेंट्रेशन में कुछ भी बदलाव कर लो दैट बदलाव रेस टू द पावर जीरो इज ऑलवेज वन सो एनीथिंग थिंग रेस टू द सिंस एनीथिंग रेस टू द पावर जीरो इज वन सो रेट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, रेट विल ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट बट वन बिग क्वेश्चन विच राइज इन आर ब्रेन इज कि हाउ सॉरी ए का रिमोट उठा लिया कैसे रेट कैसे जो है वो कांस्टेंट हो रहता है जबकि हम तो ये मानते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स में जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स का कालिजन होगा उतना ही इफेक्टिव कोलिजन होगा और उतना ही प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा तो हाउ कम कि इसमें हम रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाए जा रहे हैं बढ़ाए जा रहे हैं क्या इसमें इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज नहीं होते जब आप सुनिएगा मैं आगे बढ़ती हूं इस गेम को देखिए ये कौन सा गेम है हैच काइंड ऑफ गेम हाँ महक आज केमिस्ट्री की टीचर लगाएगी थोड़ी देर में अगले पांच मिनट बाद मैथ्स का तड़का तो ये गेम कौन सा गेम है कभी खेला है यस yes, मैम ये गेम है ब्रेन बीटा करके गेम होता है जरा देखिए ये खेला होगा अब मैं आपको समझाने के लिए इस तरह का आ, फोटो का सहारा ले रही हूँ नहीं तो आपको जीरो ऑर्डर की फील नहीं आएगी एक्चुअली ऑर्गेनिक जिससे आपका दूर दूर से कोई नाता रिश्ता नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसमें याद करो इलेवेंथ में अगर तुमने पढ़ा था तो याद करो कि जो एल्किस होती थी डबल बॉन्ड जो होते थे उस पर हम हाइड्रोजिनेशन करते थे ऐसा कुछ याद है बचपन की यादें कि मेटल की प्रेजेंस में ये एल्केन बन जाता था कुछ याद है ऐसा ऐसा कुछ कभी देखा है या हाइड्रोजनेशन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एल्कीन से एल्केन बन जाता है दैट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन हाउ जीरो ऑर्डर रिएक्शन है ना देखा है तो बेसिकली ये जो हाइड्रोजनेशन चीज होती है ये मैं तुम्हें बताऊं या फिर कोई ऐसा रिएक्शन जिसमें मेटल के ऊपर ऐसी छोटी छोटी रिएक्टिंग साइट्स बनी हुई हैं और जो रिएक्शन हो रहा है वो मेटल पे जाके हो रहा है ध्यान से सुनना फोकस करके समझ में आ जाएगा मेटल है? तीन है, तीन एक दो तीन चार पांच छह सात सेवन थ्री ट्वेंटी तो वन और अच्छा सात आठ नौ दस ग्यारह थर्टी थ्री रियक्टिंग साइट है ठीक है अब जब रिएक्शन होता है तो सपोज करो इन दोनों कंचों ने मतलब रिएक्टेंट्स ने आपस में रिएक्ट किया इन दोनों ने और वो प्रोडक्ट बना के छूट के बाहर निकल गए ठीक है तो कितने स्पेस खाली हुई रिएक्शन करने के लिए मैदान में कितना कितनी स्पेस खाली हुई दो दो खाली हुई अब दो खाली होगी तो अगर तुम्हारे पास रिएक्टेंट ज्यादा है या तुमने अमाउंट बढ़ा रखा है तो भी वो दो ही कंचों की स्पेस रखता है पिक्चर हॉल में पिक्चर देखने जा रहे हैं और हाउसफुल होने से पहले बाहर भीड़ लगी पड़ी है और दो टिकटें बची हुई हैं और पूरी की पूरी कम से कम दो सौ ढाई सौ लोगों की भीड़ लगी क्या वो दो सौ ढाई सौ लोग पिक्चर देख सकते हैं सिर्फ दो टिकट बची है मूवी की बहुत सुपरहिट मूवी है Only two, two tickets are left. Line लगी हुई है लोगों की Concentration बहुत हाई है रिएक्ट की लेकिन प्रोडक्ट वो बन रहा है जो जाके पिक्चर देख पा रहा है सिनेमा देख पा रहा है तो सिनेमा कितने लोग देख पाएंगे दो लोग चले गए अंदर देखने क्योंकि दो ही टिकट पेंडिंग थी अब बाहर पूरा ऐसा जमावड़ा लगा हुआ उससे क्या फर्क पड़ेगा लेकिन सपोज दो लोगों ने अंदर बैठ के डिसाइड किया पिक्चर तो वर दिया है हमको नहीं देखनी है बाहर निकल गए तो ऐसा कुछ होता कि दो बाहर निकल गए तो पिक्चर हॉल वाले ने अलाउ कर दिया चलो दो सीट हमारे पास और खाली हुई गई है दो और लोगों को अंदर भेज दिया जाए तो वो दो ही अंदर आएंगे ना तो इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सीट्स विच आर वेकेंट इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन कि तुमने बाहर हजारों लोगों की भीड़ लगा रखी है उसे किसी को ये लेना देना नहीं है तो यहाँ पे भी आप रिएक्टेंट कितना भी लगा दो रिएक्शन होता इन साइट पे है इसको हम रिएक्टिव साइट्स बोलते हैं इन्हीं पे रिएक्शन होता है तो जब ये रिएक्शन करके बाहर निकलेंगे तो जो जगह खाली होगी उतनी ही जगह पे रिएक्टेंट फिक्स होंगे फिट होंगे तो रिएक्शन फिर स्टार्ट हो जाएगा लेकिन ऐसा नहीं होगा कि तुम मुट्ठी भर के कंचे ले आओ या तुम बोरी भर के कंचे ले आओ इस गेम में तो भाई साहब उतने ही रिएक्शंस होंगे जितनी उस पे रिएक्टिव साइट्स है ऐसे रिएक्शंस को हम जीरो ऑर्डर कहते हैं मेटल सरफेस पे रिएक्टिंग साइट्स फिक्स हैं तुम मुट्ठी भर के रिएक्टेंट लाओ या बोरी भर के रिएक्टेंट लाओ फर्क नहीं पड़ता तुम पिक्चर हॉल के बाहर कितनी भी भीड़ लगाओ हाउसफुल हो चुका है घर को लौट जाओ ठीक है रिएक्टिंग साइट्स फिक्स है रिएक्टेंट कंसंट्रेशन बढ़ाने से कुछ नहीं होगा सच ए रिएक्शन इज उन्हें जीरो ऑर्डर गॉटेड बच्चो आया फील जीरो ऑर्डर का आया फील जस्ट गिव मी थम्स अप एंड लाइक द सेशन चलो फटाफट से और स्माइल दो मुझे और मुंह फाड़ मत मैं सिर्फ स्माइल देना चलो गुड गुड आगे बढ़ते हैं अब इंटीग्रेशन अब मैम लगाएंगी मैथ्स का तड़का भाबली <laughs> चल लो आज हमने क्या क्या सीखा हुआ हमने मॉलिकुलरिटी सीख ली हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्यों जीरो ऑर्डर रहता है क्यों कंसेंट्रेशन बढ़ाने का कोई इफेक्ट नहीं होता उस पर रिएक्टिंग फिक्स्ड होती हैं और ऑर्डर की फील ले ली कि ऑर्डर होता क्या है एक्चुअल में ऑर्डर क्या होता है वो सब कह अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे इंटीग्रेशन आता है वॉट इज ऑर्डर जस्ट राइट रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन जस्ट है साथ साथ करें प्लीज नोटबुक्स में साथ साथ करें क्योंकि फिर इंटीग्रेशन चमकेगा नहीं रेट लॉ रेट लॉ क्या होता है फॉर जीरो रेट लॉ कहता है कि पावर जीरो दिस इज रेट लॉ इसको मैं और अच्छी भाषा में लिखती हूँ रेट होता है चेंज इन कंसेंट्रेशन डी आर बाई डी टी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन क्योंकि रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन है तो मैं माइनस लगा रही हूँ क्योंकि रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन में माइनस लगाया जाता है इज इक्वल टू के आर रेस टू द पावर जीरो ठीक है ऑर्डर जीरो है अब एनीथिंग रेज टू द पावर जीरो इज वन सो आई एम जस्ट एलिमिनेटिंग इट मैं इसको इरेजर से मिटा रही हूँ क्योंकि मुझे वन की आवश्यकता नहीं है आई डोंट रिक्वायर वन सो इट बिकम्स डी माइनस इज इक्वल्स टू के और आई कैन ऑल्सो राइट डी टू माइनस के डी टी ठीक है डी आर इजिकल टू माइनस के डी टी अब मैं इंटीग्रेट इंटीग्रेट डू यू नो इंटीग्रेशन ऑफ डी आर क्या आप जानते हैं बताओ जरा डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है इंटीग्रेशन आता है स्वीटी मिश्रा एक्स वेरी नाइस वन बाय एक्स नहीं होता बेटा पूजा एक्स होता है नहीं जानती है मैं। ओके okay, मैक मैं समझा रही हूँ ब्रजेश मैं समझा रही हूं, मैं रही हूं. Hmm. बेटा dx का इंटीग्रेशन होता है एक्स dy का इंटीग्रेशन होता है y, dz का इंटीग्रेशन होता है जेड डी गोबर का इंटीग्रेशन क्या होगा डी गोबर का इंटीग्रेशन होगा गोबर ठीक है इंटीग्रेशन जो है और वो डी आपस में एक दूसरे को क्या कर देता है कैंसिल तो चलिए इसको आगे प्रोसीड करते हैं इस डेरिवेशन को तो डी आर का इंटीग्रेशन हो गया आर आर इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस सी माइनस के डी टी का इंटीग्रेशन हो गया माइनस के टी प्लस सी अब बेटा कांस्टेंट की वैल्यू टाइम टी इज इक्वल टू जीरो में लिखेंगे साथ में फाइंडिंग वैल्यू अभी मैथ्स पढ़ा रही है मैम वैल्यू ऑफ सी एट टी इज इक्वल टू जीरो पे निकाली जाती है तो जब टी जीरो होगा तो ये एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा और जब शुरू ही नहीं हुई थी रिएक्शन तब कंसेंट्रेशन को क्या मानते इनिशियल इनिशियलेशन तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी सी इज इक्वल्स टू आर नॉट सी 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 इज 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 इक्वल्स इक्वल्स टू टू आर आर नॉट नॉट ठीक है व्हाट द वैल्यू ऑफ तो पुट करेंगे इसमें आर इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस आर नॉट ठीक है माइनस के टी प्लस आर नॉट या फिर मैं ये कर सकती हूँ माइनस के टी को इधर ले आऊं प्लस के टी हो जाएगा kt is equals to r not minus r ठीक है यानी इनिशियल कंसेंट्रेशन में r not minus r यानी कि k is equals to k is equals to r not minus r upon t now what इज दिस दिस इज रेट constant का डेरिवेशन करते हैं हम हर ऑर्डर में इंटीग्रेशन करके वैसे इनिशियल कंसेंट्रेशन माइनस फाइनल कंसेंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन होता क्या है बाय द वे कैन एनीबॉडी टेल मी इन द कमेंट बॉक्स इनिशियल कंसेंट्रे� इनिशियल कंसेंट्रेशन अपॉन इनिशियल कंसेंट्रेशन और फाइनल कंसेंट्रेशन में जो चेंजेस आते हैं यानी डेल्टा आर कंसेंट्रेशन चेंज अपॉन टाइम टेकन को क्या बोलते हो बेटा हाउ डी गोबर का इंटीग्रेशन गोबर होता है डी एक्स इज एक्स डी वाई इज वाई डी एज इज एड डी गोबर इज गोबर इंटीग्रेशन ऑफ डी गोबर वुड बी गोबर रेट होता है शाबाश स्वीटी दबाई प्राची स्वकीर्ति आशा शिवांगी वेरी गुड है ना

अपने आप मतलब एक बार आप अटकेंगे देखना फिर अटकेंगे फिर देखना, मतलब तब तक आपको प्रैक्टिस करना है जब तक आएगा लेकिन ग्राफ आएंगे और अगर आपको ये डेरिवेशन करना नहीं आता आप ग्राफ नहीं कर सकते ऐसे सवाल आएंगे जिसमें आपको बहुत फुर्ती करनी पड़ेगी डेरिवेशन में वर्क में अदरवाइज आपसे वो सवाल लगेंगे नहीं तो ये डेरिवेशन इज मस्ट टू डू थिंक यार डेरिवेशन अब हम बारहवीं क्लास के बच्चे हैं कोई छठी क्लास के बच्चे नहीं कि मैं आएगा तो करेंगे हाँ आएगा एक तरीके से तो आएगा क्योंकि डेरिवेशन आते हैं तो ये तुम्हारा छपा छपाया मामला है एंड मैंने तुमको प्रूफ करके बताई दिया एंड ये हमारा फाइनल जो इंटीग्रेटेड होता है उसमें के की वैल्यू आती है व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ जीरोक्शन इस इक्वेशन को अबे करेंगे एड वैल्यू ऑफ के कैन आपको पता हो तो ठीक है

सबसे पहले बेटा आपको के की वैल्यू निकालनी है जस्ट कीप इन माइंड कि जितने भी डेरिवेशन होते हैं उसमें तो आपको के निकालना होता है तो जस्ट राइट द रेट लॉ रेट इज प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेस टू द पावर वन सो इट कैन बी रिटन आज रेट इज इक्वल्स टू के आर रेस टू पावर वन ठीक है अब रेट क्या होती है माइनस डी आर बाई डी इज इक्वल टू के आर रेस टू द पावर वन माइनस डी आर इज इक्वल्स टू के माइनस डी आर अपन आर में इधर ले आई इज इक्वल टू के डी टी और आई कैन राइट डी आर बाई आर इज इक्वल टू माइनस के डी टी अब कर दो इस स्टेज पे इंटीग्रेट इंटीग्रेट कर दो ठीक है अब एक और बात व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डी एक्स बाई डी डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है डी x एक्स का इंटीग्रेशन होता है एल एन एक्स डी वाई बाय वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है इसको मैं यहां से रब करती हूँ थोड़ा उस तरफ सरकाती नहीं तो मुझे डेरिवेशन करने का जगह नहीं मिलेगा जस्ट वेट थोड़ा सा इंटीग्रेशन भी बता रही हूं डी एक्स बायस का इंटीग्रेशन होता है एल एन एक्स डी वाई बाई वाई का इंटीग्रेशन होता है एल एन वाई डी जेड बाई जेड का इंटीग्रेशन होता है एल एन जेड और डी गोबर अपॉन गोबर का इंटीग्रेशन क्या होगा डी गोबर अपॉन गोबर का इंटीग्रेशन होगा गोबर एल एन गोबर ठीक है एल एन गोबर समझ गए क्लियर ठीक है <laughs> चलो आगे प्रोसीड करते हैं अब डी आर आर का इंटीग्रेशन तो हो गया एल एन आर तो यहां अगला अगला पार्ट आगे प्रोसीड करते हैं एल एन आर

जब रिएक्शन शुरू भी नहीं हुई थी तो कंसेंट्रेशन को हम इनिशियल कंसेंट्रेशन बुलाते थे जब रिएक्शन स्टार्ट होती है तो कंसेंट्रेशन को किस कैसे बुलाते हैं हम इनिशियल कंसेंट्रेशन बुलाते हैं तो हम लिखेंगे एल एन नॉट इज इक्वल टू सी कॉन्स्टेंट की वैल्यू आ गई एल एन नॉट अब क्या करेंगे वैल्यू पुट कर देंगे हम तो हम लिखेंगे एल एन इज इक्वल टू माइनस के टी नॉट एल एन नॉट माइनस के को मैं इधर शिफ्ट कर रही हूँ ये बन जाएगा के और मैं एल एन ए को उ लॉग ए अपॉन बी लॉग ए माइनस लॉग बी लॉग की प्रॉपर्टी होती है लॉग ए माइनस लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए अपॉन बी ठीक है लॉग ए अपॉन बी तो हम करेंगे KT एल एन आर नॉट अपॉन आर और के वैल्यू कैसे निकलेगी के इज इक्वल टू वन अपॉन टी एल आर नॉट अपॉन आर तो ये तुम्हारा आ गया फर्स्ट ऑर्डर का इसको भी पांच बार बिना देखे करना है और इससे ज्यादा बार भी कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारे डेरिवेशन uh, तो हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन आया ना बच्चों वो ये आया है ये वाला अभी अभी मैंने जो डिराइव किया था वो ये था वन अपॉन टी एल आर नॉट अपॉन आर अभी तो नेचुरल लॉग जो होता है एल एन ई एल एन ईज एक्चुअली टू पॉइंट थ्री जीरो चेंज कर रहे हैं हम इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे 2 .303, 2 .303 .2 log r. इसमें से दो से तीन नंबर का क्वेश्चन गारंटी ले लो लिख लो आएगा बोर्ड्स में मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है पिछले फोर्टीन ईयर का क्योंकि फिफ्टीन ईयर नहीं नहीं हाँ फोर्टीन ईयर्स का पिछले बार तो बोर्ड्स ही नहीं हुए हैं ये क्वेश्चन का बखत हर साल आया है हर साल मतलब कोई ऐसा साल नहीं गुजरा जिसमें इस इक्वेशन पे सवाल नहीं आया हो टेक इट दैट इंपॉर्टेंट और अगली क्लास में मैं पीवाई क्यूज डिस्कस करने वाली हूँ इस इक्वेशन पे क्योंकि एक बार मैं तुम्हें सेट ऑफ आठ दस पीवाई क्यू करवा दूंगी तो ये तुम्हारा पक्का हो जाएगा टॉपिक ठीक है क्लास ओवर करने वाली हूँ बस मैं दो तीन मिनट में कर रही हूँ अभी ग्राफ नहीं प्राची बेटा मैं खुद सिखाऊंगी सारी चीजें ठीक है <laughs> तो ये हो गया इक्वेशन को कैसे रीड करते हैं मतलब मोनिका मैम इसको कैसे रीड करेगी और तुम मोनिका मैम के बच्चे कैसे रीड करेंगे एम बी में इसको कैसे पढ़ेगी एक ऐसी इक्वेशन या रिएक्शन जो कि फर्स्ट ऑर्डर है जिसका रेट कांस्टेंट के है उसको टी टाइम लगता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से फाइनल कॉन्सेंट्रेशन में बदलने में एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जिसका रेट कांस्टेंट के है ऐसी रिएक्शन को टी टाइम लग जाता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से फाइनल कॉन्सेंट्रेशन में चेंज होने में

इसी उससे होते हैं फर्स्ट ऑर्डर से ही ये है होते हैं काइनेटिक्स से तुम्हें पता है है, वो age of the sample निकाली जाती है। कि गड़ाई हुई की और जो भी है वो उसके अंदर एक हजार या साल पुरानी आ, कोई तो लकड़ी निकली फॉसिल निकला कोई आर्टिफि मतलब आर्क्योलॉजिकल आर्टिफेक्ट निकला ऐसा पड़ा है कभी न्यूज में कि फला जगह गड़ाई हुई ऐसे पुराने सॉलो की तो ये एज क्या पंडित जी से थोड़ी निकलवाते हैं डीके जो है 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 वो है वो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता 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 हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेम और लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट मर जाता है चाहे वो पेड़ हो या हम हो हमारी हड्डियां हो जब कोई ऑब्जेक्ट मर जाता है तो उसमें सी फोटीन सिर्फ खत्म होता है बनता नहीं है एक्चुअली लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सी फोर्टीन डी भी होता रहता है बनता भी रहता है डीके भी होता रहता है क्योंकि हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स खाते हैं ना तो बनता भी रहता है तो हमेशा ओवर द लाइफ पूरी जिंदगी सी प्रोटीन फिक्स रहता है ठीक है लेकिन जब कोई मर जाता है पेड़ मर जाए या इंसान मर जाए या जानवर मर जाए हड्डियाँ वगैरह ये सब ऑर्गेनिक ही तो होती है ट्री का जो स्टेम होता है वो ऑर्गेनिक ही तो होता है तो जब कोई चीज मर जाती है तो उसमें सी प्रोटीन बनना बंद हो जाती है क्योंकि मरा हुआ जानवर खाना तो खाता नहीं है मरा हुआ पेड़ ऑर्गेनिक चीज लेता नहीं है वो सिर्फ डीके करता है तो सिर्फ डीके करता है तो वक्त के साथ उसका सी प्रोटीन कम होने लग जाता है तो साइंटिस्ट क्या करते हैं

जितना भी समय लगा है वो उस सैंपल की उम्र है तो ये जो टाइम है ना टी की वैल्यू आती है एक हजार साल पंद्रह सौ साल ये इसी फॉर्मूले से निकलता है समझे बात को क्लियर हुआ थम्सअप कर दो स्माइल दे दो लाइक कर दो सेशन को तीन काम कर दो थम्सअप कर दो स्माइल दे दो और सेशन को लाइक कर दो है ना तो किस लिविंग सैंपल में आज मेरे में या किसी में भी जो C14 होता है वो यूनिवर्सली फिक्स्ड होता है तुम में हम में सब में एक जैसा है क्योंकि हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स खाते भी और हमारी बॉडी में डीके भी चलता रहता है तो डीके जिस रेट से चलता रहता है उसी रेट से C14 बनता भी रहता है तो कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द लाइफ ठीक है लेकिन मरे हुए सैंपल में सिर्फ डीकंपोज होता है बनता है नहीं तो

कोई भी यूट्यूब पे आपको इनअप्रोप्रिएट कंटेंट दे देना है तो उसको आप रिपोर्ट कर सकते हैं क्लेम कर सकते हैं अपना रिपोर्ट लेकिन होना चाहिए फर्जी मत दे देना ठीक है इनअप्रोप्रिएट कंटेंट अगर कोई आपको लग रहा है कि वो कंटेंट इनअप्रोप्रिएट है तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं इसमें बग्स बाउंटी में ठीक है एंड uh, ये आपको मालूम है कॉम्बैट इज बैक कॉम्बैट आपको कौन सा कोड यूज करना है एम बी लाइव यूज करना है लगता है मुझे ही लिखना पड़ेगा एम बी लाइव ठीक है कॉम्बैट इज बैक ऑन Uh, कर स्कैन करके आप नोट तक पहुंच सकते हैं और एल्कोलोल की पांचवा लेक्चर मैंने लगा दिया है इसको नोटिफाई कर दे सब फ्री सेशन है संडे से, से बच्चों जितने स्टूडेंट उनको जोड़ लेना क्योंकि मोनिका मैम गांव गांव तक पहुंचना चाहती है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का के ये जो टफ होने का भ्रम है इसको दूर करना चाहती है तो आई होप यू कैन ज्वाइन मी इन दैट मिशन यू यू विल जॉइन इन दैट मिशन कि यस yes, मैम जितने जितना हो सके इसको शेयर करना क्योंकि मैं बहुत अच्छे से पढ़ाने वाली हूँ और बहुत बेसिक से पढ़ाने वाली हूँ कई बच्चे नोमिन क्लेचर में अटकते हैं कई बच्चे इलेक्ट्रॉन मूवमेंट में अटक जाते हैं क्योंकि इलेवंथ में तो रायता फैला के आए थे पाप करके आए थे देखो बेसिकली तो वो पाप धोने के लिए मोनिका मैम आ गई हैं तो जो गया समय जो बीत गया वो बात गई लेकिन अब हमको फ्यूचर अपना सुधारना है और उसका हम हमारे पास एक मौका है तो मैं तुम्हें वीकेंड्स पे इलेवंथ क्लास के ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगी और इलेवंथ क्लास के बच्चों से भी शेयर कर देना क्योंकि उनका तो कंटेंट है ये इसमें से तो उनका पेपर बनेगा पर तुम्हें भी पढ़ाऊंगी ताकि ट्वेल्थ के ऑर्गेनिक में तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो जाए तो जस्ट एनरोल इट ये बिल्कुल फ्री क्लासेस और एम बी लाइफ से ओपन हो जाएंगी इसको नोटिफाई कर देना अन की लर्निंग ऐप नहीं है तो डाउनलोड कर लो बेटा झिझको मत जितना YouTube इजी टू हैंडल है उससे ज्यादा अकैडमी की लर्निंग इजी टू हैंडल है कई बच्चे मुझे कहते हैं YouTube कब पाओगे अन अकेमी के ऐप पे नहीं। अरे भाई सिंगल क्लिक पे आ जाएगा अनकेडमी का ऐप कुछ भी नहीं करना आपको ये ऐप आप इंस्टॉल करना है डाउनलोड करना है अपना गोल सेलेक्ट करना है सीबीएसई बी ट्वेल्व मैम को फॉलो कर लो तो सोने पे सो होगा क्योंकि मैं जो फ्री सेशन पे नोटिफिकेशन अकेडमी खुद सेंड करेगा मेन्यू बटन पे जाओ स्पेशल क्लासेस मेन्यू बटन ऐसे यहाँ होता हॉरिजॉन्टली तीन बार होते हैं उस तो पर क्लिक करोगे तो स्पेशल क्लासेस में जाओ और वहाँ पे एम बी लाइव इन्वाइट कोड भर के कोई भी स्पेशल क्लास तुम अटेंड कर सकते हो एम बी लाइव इन्वाइट कोड भर के कोई सी भी स्पेशल क्लास आप तो अटेंड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री सेशन होते हैं इनको डाउनलोड कर लो ये फ्री है और यूट्यूब से ज्यादा ये equally handleable हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है यहां पे भी आओ और, और बच्चों आज का डाउट फीचर के बारे में बता चुकी हूं किसी भी समय आप डाउट्स पूछ सकते हैं अन एडमी सब्सक्रिप्शन की फीचर्स में हर बार बताती हूँ कि it's absolutely beautiful and brilliant platform जहां आपको कहीं ज्यादा डेडिकेशन से टीचर्स पढ़ाते हैं जितने डेडिकेशन ऑफलाइन में पढ़ाते हैं मैं तुमको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ बहुत सारे ऑफलाइन कोचिंग ट्वेंटी ट्वेंटी के लिए फेबर मार्च में ही क्लोज हो गए थे क्योंकि कोर्सेज करा दिए थे कोर्स खत्म खत्म बात दिस इज द नेचर ऑफ ऑफलाइन आई हैव बीन इन टू ऑफलाइन फॉर द लास्ट फोर्टीन ईयर्स आई नो कोर्स खत्म टीचर की जिम्मेदारी खत्म अब एग्जाम मार्च में हो अप्रैल में हो मे में हो पढ़ा दिया ना बात खत्म पढ़ो रिविजन करो लेकिन आने का आडमी मैं आपको बता रही हूँ सिस्टम जिसमें जब तक बच्चों का एग्जाम नहीं होगा टीचर्स क्लासेस लेना बंद नहीं करेंगे और हमारी लास्ट क्लास अभी भी सब्सक्राइबर्स बैठे हैं चैट बॉक्स में उस दिन तक हुई थी दिस इज लेवल ऑफ डेडिकेशन विच यू विल फाइंड आफ्टर टेकिंग सब्सक्रिप्शन दैट अगर तुमको बोर्ड्स में हंड्रेड में 100 मार्क्स लाने हैं तो, तो ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन में हजारों रुपए खर्च करो लाखों रुपए खर्च करो मात्र तेरह हजार पांच सौ में आपको

आपको मेंटरशिप एंड गाइडेंस टॉप एडुकेटर्स की मिल रही है पीडीएफ मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में आपको नोट्स मिल रहे हैं टीचर खुद बना के दे रहे हैं और रेगुलर बेसिस पे आपके लाइव टेस्ट प्रैक्टिस टेस्ट चल रहे हैं बैच में आपकी रैंक आ रही है टीचर आप पे गौर कर रहा है और अगर आइकॉनिक ले लोगे अगर ले सकते हो तो आइकॉनिक ले लो पर्सनल मेंटर भी बहुत ध्यान देते हैं तो इस तरीके का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो कोविड काल में इससे बेटर और कुछ नहीं है एंड हाँ बड़ी स्क्रीन पे देखना बड़ी स्क्रीन पे आपको लगेगा टीचर आपके सामने पढ़ा रहा है टीवी से कनेक्ट कर सकते हो लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हो मोबाइल फोन से क्लासेज अटेंड नहीं करनी क्योंकि छोटी स्क्रीन होती है स्ट्रेन पड़ता है। तो बड़ी स्क्रीन पे अब कितना अब आप सब्सक्रिप्शन चार्जेस में आपको बताऊंगी मीन आइकॉनिक में आपको पर्सनल मेंटर लाइव डाउट सॉल्विंग वीकली रिपोर्ट पेरेंट्स से बात कर सकता मतलब तो फोन नंबर मिल जाएगा आपको आइकॉनिक uh, मेंटर का और स्टडी प्लानर सारे बेनिफिट्स मिलेंगे आपको प्लस सब्सक्रिप्शन के तो ये बहुत तगड़ी चीज है इसमें आपको मॉनिटरिंग अच्छी होगी और आपको सपोर्टेड सपोर्टिव हैंड हमेशा आपके साथ रहेगा कि हाँ यार इस बंदे को मैं जानता हूँ या जानती हूँ और इनका नंबर है कोई भी प्रॉब्लम है कॉल लगा लो तो आइकॉनिक मेंटर विल टेक केयर ऑफ यू दे विल मेक योर शेड्यूल दे विल मेक योर टाइम टेबल दे विल मेक योर प्लान एज पर योर रिक्वायरमेंट्स तो आप और प्लस फिर मैं भी पढ़ाती हूँ मैं प्लस पे क्लासेस लेती हूँ और मेरी क्लासेस का शेड्यूल है छह से साथ होता है ट्यूजडे एंड वी आर वर्किंग वेरी वेरी हार्ड ओवर इट मी एंड माई आर्मी आर वर्किंग वेरी वेरी हार्ड ओवर द ड्रीम ऑफ गेटिंग हंड्रेड आउट ऑफ मार्क्स इन केमिस्ट्री बोर्ड एग्जामिनेशन यू कैन यूज माई कोर्ड MB Life लाइफ फॉर टेकिंग सब्सक्रिप्शन मास्टर कोर्ट जे नीट में अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको उन मिनटस से पढ़ने का मौका मिलता है जिनसे पढ़ने के लिए बहुत फीस लगती थी बच्चों बहुत होस्टल चार्जेस फूड चार्जेस पेरेंट्स से दूर रहना वो सब अभी कुछ नहीं अन अकेडमी ने उनको अपने साथ एसोसिएट किया और प्राइस करेक्शन कर दिया आप उन्हीं से पढ़ेंगे लेकिन लाखों रुपया देखे नहीं पढ़ेंगे आप डॉक्टर भी बनेंगे आप इंजीनियर भी बनेंगे आपको जो बनना है लगन होनी चाहिए आपके अंदर अन अकेडमी प्रोवाइड यू एवरीथिंग ठीक है ओनली वन ईयर का सब्सक्रिप्शन चार्जेस थर्टी फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फिफ्टी टू मंथ्स का फ्री मिलेगा दिस इज नथिंग अगर आप उन एडुकेटर्स का लेवल सोचो कि वो ए आई आर टॉप हंड्रेड निकाल रहे हैं टॉप फाइव हंड्रेड निकाल रहे हैं Can we ever हम उनसे पढ़ने का uh, no हमसे पढ़ना चाहते हैं महीने का सब्सक्रिप्शन okay. बेस्ट है क्योंकि एग्जाम पोस्टपोन वगैरह नहीं हो जाए थर्ड वेव भी एक्सपेक्टेड है तो हो सकता है पोस्टोनिंग हो तो पंद्रह महीने का बेस्ट है बारह का भी ले सकते हैं पंद्रह महीने का एग्जाम्पल दे रही हूँ अठारह हजार का सब्सक्रिप्शन है सारे सब्जेक्ट्स का एम बी लाइव लगा देंगे आप ठीक है

उसके भी वीकेंड या इस टाइप की क्लासेस लगती है इंग्लिश वगैरह की तो उसमें भी आपके नंबर आएंगे क्योंकि परसेंटेज बिगाड़ने के लिए तो इंग्लिश भी काफी है ठीक है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स स्ट्रॉंग कर लिया स्ट्रॉंग कर ली परसेंटेज बिगाड़ने के लिए अंग्रेजी साइकोलॉजी इकोनॉमिक्स ये बहुत बड़े सब्जेक्ट्स हैं अगर परसेंटेज बिगाड़ने की बात आए तो यहाँ आपको उसके मेंटर्स भी मिलेंगे तो आपकी वॉली क्लासेस भी चलेंगी और हमारी जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उसकी क्लासेस भी चलेंगी एंड फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ अनअकैडमी वी दिस्ट्री ऑफमीटिव मैसिव डिस्काउंट ऑन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन सिबलिंग डिस्काउंट सिबलिंग डिस्काउंट है एंड आर गोइंग ऑन एक साल का सब्सक्रिप्शन लेने पे दो महीने का फ्री मिल रहा है दो साल का लेने पे चार महीने का तो इस तरीके से आप कर सकते हैं एंड जस्ट अ लुक एंड बच्चों सेशन को शेयर कर देना लाइक कर देना और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो बिकॉज वी हैव टू मेक इट अ फाइव लैकर्स की फैमिली वेरी वेरी सुन एंड यूजींग सब्सक्रिप्शन एंड अब मेरे हो गया है जाने का समय बाय मंजू बाय बायीर्ति बाय ज्योति बाय सुखमन डिफरेंट टाइप ऑफ स्माइल्स भेजी सुखमन बाय एवरीवन बाय क्रेस्ट बाय आन्शत्री एम आई वो फेवरेट मैम थैंक यू बिट्टू थैंक यू सो मच बाय बाय कल मैम का बर्थडे है विश कर दो प्लीज मैम बहुत खुशी होगी मुझे मैम कल मेरा बर्थडे है खान साहब हैप्पी बर्थडे इन एडवांस chalo bye bye see you all let's crack it bye bye